डीएन हरियाणा देख रहे दर्शकों को नमस्कार। इस समय जो आप दृश्य देख पा रहे हैं, गांव बूढ़ा खेड़ा के सरकारी स्कूल का दृश्य है। बताया जा रहा है कि सरकारी स्कूल में बच्चों के द्वारा पार्टी की गई, बियर पी गई और पंचायत जारी है, जो दृश्य देख पा रहे हैं इस समय आप, और पूरी पंचायत हम आपको दिखाएंगे और जो वहां पर अभिभावक पहुंचे हैं उनके भी हम विचार आपको सुनाएंगे। इस किस्म की कहानी जो है वो तो बात क्या है भाई, मतलब ये चीज अच्छी तो नहीं हुई। वो इसको खुशी में नहीं भाई गिफ्ट दे ले, मैं तो 100 रुपये चीज खा ली, इसको 100 रुपये देकर चला गया। 13 तारीख ने सुबह जान लग गया, जब 14 ने 13 ने ये लेकर वो न्यू बने आ गया क्लास में, जितना चल रहा पीछे है किसी दूर है अच्छे भाई, इस 100 रन का अटकम 100 रुपये दे दिए मारे दो रुपये या बात आई भाई साहब आप कह रहे थे कि ये मेरे से 100 रुपये लेकर आया, क्या रहा है जी आज जो पंचायत हुई है यहाँ पर, क्या फैसला लिया गया? हाँ जी, आज का जो हमारा एजेंडा था वो हमारे गांव की पंचायत ने फैसला लिया है। अब भाई सारा काम जो है ने बैठ के इस बारे में बातचीत करके उसके बाद हम फैसला लेंगे, ये है आपका। जैसे बात करें प्राचार्य और खंड शिक्षा अधिकारी ने ये बोला कि वहाँ पे बियर की बजाय कोल्ड ड्रिंक्स थी, तो इस बारे में क्या कहेंगे आप? ये सरासर झूठ है जो हमारे प्रिंसिपल साहब ने और बीओ साहब ने बोला। आज हमारे सामने दो लड़कों ने ये उठा अकबाई जो है ने वो बियर थी और हम लाए थे और यहाँ पी है और प्रिंसिपल महोदय वहाँ बैठी थी उस टाइम, ये बात उन लड़कों ने कही। तो जैसे बात करें सर, कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन और स्कूल प्रशासन की भी लापरवाही है, क्योंकि जो सीसीटीवी फुटेज थी वो नहीं मिली यहाँ पे। हो सकता है, मैं इस बात को मानता हूँ। अकबाई 12 तारीख ने यह हादसा हुआ तो 12 की शाम ने जो है हमारे स्टाफ के कुछ आदमी आए और उन्होंने सीसीटीवी कैमरों के साथ छेड़छाड़ की, हमारे इस बात का शक भी होता है। अक भाई हो सकता है अक भाई उसमें कोई तरमीम की गई हो, तो जैसे हम मानते हैं इस बात को। बात करें गांव की ओर से, क्या कार्रवाई की मांग की जाएगी? अभी हमारा कोई फैसला नहीं है, हम गांव के आदमी बैठेंगे और उसके बाद सामने कोई फैसला होगा। कितने बच्चे बताए जा रहे हैं जी इसमें? इसमें हमारे सामने तो 3 लड़के और 3 लड़कियों के नाम आए, और कुछ आदमी कह रहे हैं भाई लड़के 5 थे, तो इस चीज का पूरा ज्ञान है अभी नहीं होया है। अब कुल टोटल कितने थे? तो कहीं ना कहीं इसमें जो स्कूल के अध्यापक है उनकी लापरवाही है, बड़ी लापरवाही, कहीं और बड़ा भी हादसा हो सकता है इससे। मतलब हम इस चीज के बारे में लापरवाही नहीं कहेंगे जी, क्यों हमारी जवान बेटियां जवान बच्चे यहाँ स्कूल में आते हैं, उसके अभिभावक जो है ना उनको इनके जिम्मे छोड़ देते हैं, और वो जो है ना इस तरह का जो है ना हरकत हुई तो बहुत बुरी बात है। हाँ ये है जी, ये परसों की बात है, परसों यहाँ स्कूल में बियर पी गई है बच्चों द्वारा, और ये हमें भी शाम को पता चला, तो शाम ने हम भी फिर स्कूल का नागे, तो फिर यह बात दम खुल गई, तो कल फिर प्रिंसिपल साहब ने नोट ली थी भाई बियर पी गई है, आज फिर बच्चों ने प्रिंसिपल साहब ने सभी स्टाफ ने ये चीज़ ओट ली, तो इसके लिए फिर गांव के आदमी इकट्ठे हुए थे, फिर शाम को फिर हो गए पूरा गांव इकट्ठा, तो उसके बाद निर्णय लिया जाएगा। जैसे बात करें गांव वाले कह रहे हैं कि सीसीटीवी फुटेज से भी छेड़खानी की गई है। सीसीटीवी फुटेज उस दिन शाम को स्कूल टाइम के बाद 2 टीचरों ने आकर स्कूल की जो फुटेज थी उसको भी डिलीट कर दी गई है, बाकी हर कमरे में कैमरे हैं, सारी चीज़ें पंचायत जो कह सकता अजय।
चीज को लेकर यहाँ पंचायत की गई थी, क्या मामला है? पंचायत इसलिए की गई, कुछ 12 तारीख को कुछ शरारती बच्चों ने आदि तफरी के अंदर बियर मंगा के पी गई। कहाँ पी गई? स्कूल के अंदर। स्कूल में जी। कैसे पता चला इस मामले का भाई, स्कूल के अंदर बियर पी गई है? भाई हमारे को गांव वासियों ने बुलाया था कि भाई स्कूल में आ जाओ। जब मैं स्कूल में पहुंचा तो प्रिंसिपल साहब ने इस बात को बिल्कुल बखूबी क्लियर कर दिया था कि भाई जो 5 बच्चे 6 बच्चे हैं उन्होंने रिटर्न में एक अप्लीकेशन दी हुई है कि भाई हमारे से गलती होगी, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। तो कहने का मतलब बियर पी गई है स्कूल जी? बिल्कुल बियर पी गई है, ये प्रधानाचार्य ने भी कबूल किया है। और आज जो गांव इकट्ठा हुआ है उस गांव में इकट्ठा होने के दौरान स्कूल के अंदर ही वो बच्चे बुलाए गए हैं। 2 बच्चे अकालगढ़ से थे जो घर से 100 रुपये लेकर के आया, दूसरे बच्चे को उसने 100 रुपये दिए हैं, फिर एक लड़की का मामला आया 60 रुपये उसने दिए हैं, 2 बच्चे स्कूटी से बियर लेकर के स्कूल के अंदर दाखिल हुए हैं। तो ये मामला मतलब बात की जिम्मेवारी किसकी बनती है? जिम्मेवारी सारे स्टाफ की बनती है और सबसे ज्यादा प्रधानाचार्य की बनती है। तो दोषी किसको मानते हैं आप इसमें? मैं तो सारा स्टाफ को दोषी मानता हूँ। क्या नाम आपका? मेरा वीरेंद्र फौजी, बुढ़ाखेड़ा लाठर। गाँव की पंचायत स्कूल में पहुंची थी, कल जो मामला हुआ था उस मामले को लेकर क्या निर्णय लिया स्कूल प्रशासन की तरफ से? दिनेश जी कल यहाँ पंचायत आई थी और ये मामला हमारे सामने आता, कल हमें अनुशासन समिति की का गठन कर दिया था और गठन करने के बाद बच्चों से बहुत विचार विमर्श किया। 2-3 बच्चे नहीं थे, आज सुबह बच्चे आए, सुबह आते हैं उनसे अपना पूरा निर्णय कमेटी ने ले लिया और इसी तुरंत जैसे ही पंचायत बुलाने वाले थे पंचायत आ गई और पंचायत के सामने प्रस्ताव रख दिया। पंचायत कहने लगी हमें इकट्ठा करके पंचायत होगी, जो फैसला लेंगे वो मान्य होगा। हमने इस बात को स्वीकार किया। बच्चों ने भी पंचायत के सामने स्वीकार किया कि उन्होंने ये अपराध किया था? हाँ, बच्चों ने इस बात को स्वीकार किया। जी सर, धन्यवाद।